मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। सो यहां पर हम बात करेंगे जी सितंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट है 100+ ओनली सितंबर मंथ के दिखाई देंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए आपको दिक्कत परेशानी लगे कहीं पर भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जी। कुछ यहां पर आपको पता नेगेटिव कमेंट आते हैं भी, आपको नहीं रीड करनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ भी टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से जो भी फैक्ट हैं कंप्लीट करते चलो, कलेक्ट करो उनको। बाद में पेपर में पता है यार 5-6 क्वेश्चन आने हैं, सभी को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता। अगर वीडियो हमारी 40-50 मिनट की बने देन आपने 25-30 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है जी। एज अ क्विक रिविज़न की तरह देखा करो इसको, जल्दी से कंप्लीट करो। अगर आपकी किस्मत रही, दिमाग में आपके रहा और पेपर में क्लिक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ और बातें भी करेंगे, जैसे कि कनाडा के द्वारा कुछ कमेंटिंग की गई है, एक पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड स्पीच है वो दी गई है। ओके सो यहाँ पर चलते हैं जी, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। प्लीज़ आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो जी करते हैं, देखें आपके लिए सिंपल से जी क्वेश्चन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। जी क्वेश्चन का सभी का आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो वीडियो के अंत तक इनके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ना जो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर पेपर में बनने के चांस होते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं, जैसे कि टोटल कंट्री यहाँ पर कितनी है, देन उसके बाद में हेडक्वार्टर्स के कहाँ पर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के मिली नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, कौन सी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, फीफा मैंस वर्ल्ड कप होगा जो 2026 के अंदर कहाँ पर होगा, बाउंड्री बिटवीन दी कैनेडा एंड यूएसए उसका नेम क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अडोप्टेड फ्रॉम कहाँ से हमने अडोप्ट किया, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुई, कैनेडा का जो माकम सिटी है उसका स्ट्रीट का नेम रखा गया था भाई किसी इंडियन के नेम पर उनका नेम बता दो, फर्स्ट कंट्री जिसने यहाँ पर बैन किया था, मेनली वार्निंग को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था सिगरेट के सभी जो हमारे वो होते हैं सिगरेट पर, सभी सिगरेट पर पैक कर वो करना स्टार्ट किया था, देन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, सो करते हैं जी स्टार्ट। आप इनका आंसर बताओ नहीं तो मैं बता दूंगा आपको वीडियो के अंत तक, देन देखें जी। अभी हाल ही में मोबाइल बन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मेनली नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग को। सो यहाँ पर लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट के अंदर बताएं। सो टाइम बताऊंगा, अब टाइम दे देते हैं हम आपको 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए, बाद में हम आगे चलेंगे। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जी हिमाचल प्रदेश। सबसे जो फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो हमारी ऑर्गेनिक हुई थी प्रॉपरली, वो हुई थी सिक्किम। ओके देन हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मोबाइल बैन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जो हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को यहाँ पर अडोप्ट करने के लिए। ठीक है सर, सो बता रहे हैं यहाँ पर 90,000 के अप्रोक्स जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं। ये पार्ट है हमारा प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना का, जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी बाय द पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है सर, चले आगे, देन चलते हैं जी। अब देखो 42nd नंबर की हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, उसका नेम बता दो। अब जो ना यूनेस्को के बारे में जो मैं प्रॉपरली यहाँ पर 42 यूनेस्को की साइट्स के बारे में एक वीडियो डाल चुका हूँ भाई, वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो उसको। सो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 42nd हमारी बन चुकी है होसाला टेम्पल्स ग्रुप कहाँ पर है, ये है हमारा इन दी कर्नाटका के अंदर। ठीक है जी, सो कर्नाटका के अंदर होसाला टेम्पल्स को हाल ही में 42nd साइट बन चुकी है भाई यूनेस्को के अंदर। अगर आपसे पूछे 41st कौन सी बनी, वो भी अभी हाल ही में बनी है, वो है शांति निकेतन इन दी वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है जी, और ना यहाँ पर एक इनटेंजिबल साइट्स होती हैं, इनटेंजिबल जिनको हम छू नहीं सकते, वो जैसे कि कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, चाऊ डांस, ऐसे कुछ हैं। वो हमारी कितनी है अभी 14 है, लास्टली यहाँ पर दुर्गा पूजा ऐड हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। देन चलते हैं जी, अब यूनेस्को के बारे में बातें देख लेते हैं। मेनली ये प्रमोट करता है पीस को, एजुकेशन को, पीस को करेगा प्रमोट, एजुकेशन को करेगा, आर्ट को, साइंस को, सो उसकी फील्ड में काम करता है जी।
ठीक है जी। अगर आपको पता हो, जो इंडिया के अंदर कलिंगा अवार्ड्स मिलते हैं, कलिंगा अवार्ड्स, वो किसकी फील्ड में मिलते हैं? वो भी साइंस के फील्ड में मिलते हैं। यहाँ पर कलिंगा अवार्ड जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को के द्वारा जे प्रोवाइड करते हैं जी। अब देखो, जो हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, 16 नवंबर 1945 को बनाई गई थी। हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस के अंदर है। हेड जो इसके हेड कौन है जी? एंड्रियो एजोले, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, आपसे एक बात पूछूंगा, कौन सा डे है भाई यूनेस्को के द्वारा उसको डेडिकेट किया गया था अफगानिस्तान की गर्ल्स के लिए? वो डे को हम 24th, कब? 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं जी। सब कमेंट बॉक्स में डाल देना कब करते हैं। ठीक है, किसको किया था डेडिकेट? अब चलते हैं आगे। अब ये यूनेस्को साइट्स हैं जो कि हिंदी वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी बनी शांति निकेतन, यहाँ पर आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी दिखाई देगी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। अवार्ड ऑफ द पीस के नाम से इसको जानते हैं, कोलकाता के अंदर है। देन कर्नाटका में देखें, कर्नाटका में आपको होसाला डिनेस्टी के द्वारा बनाए जाने वाले टेम्पल्स को यहाँ पर ऐड किया गया, जहाँ पर 3 टेम्पल्स हैं जी, वो भी आगे आपको बता दूंगा सभी बातें। ये सभी स्टेट्स हैं इंडिया की, सभी आपको पता होंगी। अगर टेस्टों की तैयारी कर रहे हो भी, देन आपको पता होगा। अगर आपका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो नॉन मेडिकल मेडिकल रहा है, देन आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नहीं पता होगा। प्लीज़ इनको रिवाइज करना। अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप, मैप को याद रखो। इंडिया के बारे में भी जानोगे तब इंडिया के अंदर यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, अभी अंदर डीपली पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी आपके दिमाग में फिर ही फिट होएगी। अब देखो, होसाला टेम्पल्स जो कि 42nd साइट बन चुके हैं जी, जहाँ पर 3 तरह के टेम्पल हैं हमारे। चनकेश्वर टेम्पल जो कि बेलूर के अंदर, होलेश्वरा टेम्पल जो कि हिलीविदू के अंदर, देन केशवा टेम्पल इन दी सोमनाथपुर के अंदर, तीनों कर्नाटका में है। और कर्नाटका में इनके अलावा भी, इसके अलावा भी पहले 2 साइट्स थी हमारी, एक तो हम्पी, हम्पी मोनूमेंट्स, साथ ही में पथादक्कल, पथादक्कल। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट। 3 हमारी साइट बन चुकी हैं हिंदी कर्नाटका के अंदर, जिनको यूनेस्को की साइट के अंदर डाल दिया गया। साथ ही में आपको एक वेस्टर्न गार्ड्स भी दिखाई देंगी। वेस्टर्न गार्ड्स तो मेनली महाराष्ट्र और साथ ही में कर्नाटका, केरला, ठीक है, यहीं पर 3-4 स्टेट के अंदर आपको दिखाई देती हैं। उसमें से कर्नाटका भी एक है। अब चलते हैं शांति निकेतन, जो कि 41st साइट बनी हमारी, वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता के अंदर। 1863 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको आश्रम की तरह इस्टेब्लिश किया गया। बाद में जो यहाँ पर स्कूल एंड आर्ट सेंटर बना, एज आ गुरुकुल की तरह एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट हुई। बाद में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन चुकी है भाई, जिसका नेम क्या है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो देखें, इसके अलावा भी हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर 2 साइट्स और हैं। कौन कौन सी? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन नेशनल पार्क, साथ ही में हमारा दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। और दार्जिलिंग टी है, जो आपको पता होगा दार्जिलिंग टी, वो भी क्या है भाई? उसको ना GI टैग मिला, सबसे पहली आइटम है वो जिसको GI टैग दिया गया था, वो कौन से? दार्जिलिंग टी। ठीक है, अब चलिए आगे। तेने जी 45th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ पर बैठी थी? रियाद, साउथ अरेबिया के अंदर, वहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया। बहुत सी इंटरनेशनल और भी साइट्स हैं, उनको यहाँ पर ऐड किया गया, वो हमने ध्यान में नहीं रखना। ओनली इंडिया के रिस्पेक्ट में ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया की जो सभी साइट के बारे में जानना चाहते हो, देन हमारी जो यूनेस्को साइट वाली वीडियो है उसको देख सकते हो जी। देन देखें सर, अब कुछ और रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि एलिफेंटा केव कहाँ पर है? हिंदी महाराष्ट्र के अंदर जी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? हिंदी असम के अंदर, मेनली ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर पड़ता है भाई। देन देखें, रानी की बाह जी कौन से रुपये के नोट के पीछे है? हमारा 100 रुपये नोट के पीछे है जी, 100 रुपये नोट के पीछे। ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। देन होलेश्वरा टेम्पल, ये कहाँ पर है? अभी किया ना हमने, ये है कर्नाटका के अंदर। देन देखें, नंदा देवी हिंदी उत्तराखंड में। देन ग्रुप मोनूमेंट ऑफ दी महाबलीपुरम, जो है तमिलनाडु के अंदर। देन विक्टोरिया एंड आर्ट डेको एंसेम्बल, जी मेनली महाराष्ट्र के अंदर। देन विश्व भारती यूनिवर्सिटी हिंदी वेस्ट बंगाल कोलकाता। हमायू टॉम जी कहाँ पर? दिल्ली के अंदर भाई। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं एक और, हमायू टॉम किनके द्वारा बनाई गई थी भाई? मेनली जो हमायू की वाइफ थे उनका नेम बता दो। देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है?
हिंदी असम के अंदर। सो मानस रिवर जहाँ से बहती है भाई ना, जो मानस नेशनल पार्क है हमारा, वो एक्सटेंड भी हुआ हुआ है भूटान के बीच में, वहाँ पर उसका नेम क्या है, रॉयल मानस नेशनल पार्क। सो इन बातों को ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है सभी। तो इन चलते हैं, अब देखो कैनेडा भाई, देखो पॉलिटिकली क्या कुछ कर सकती है अभी कोई भी पार्टी अपना पावर में रहने के लिए। देखो इनके जो कैनेडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में उठकर स्पीच दे दी, भी एलज किया इंडिया को, जो हरदीप सिंह नजार थे उनकी डेथ में इंडिया का भाई अहम भूमिका है, इंडिया की जो हमारी स्पेशल एजेंसीज हैं उनका अहम भूमिका है, उन्होंने इनको मरवाया भाई, कहते हैं वो हमारे सॉइल पर आकर हमें हमारे जो बंदे को मार चुके हैं, हमारी सॉवरेनिटी को यहाँ पर इन्होंने इम्पेक्ट किया। जहाँ पर ये तो भाई बकवास बातें, मेनली विदाउट एनी एविडेंस ऐसी बातें जो अपने पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। ये देखिए हमारे पीएम मोदी जी, ये पार्लियामेंट में बोलते नहीं हैं। सो देखो वैसे तो मजाक की बात है दोनों बात, तो देखो ये तो बोलते नहीं है, ये बोल रहे हैं वो भी बिना सिर पैर की बातें, ना कोई एविडेंस। इसका कारण, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पहले तो देखो जो नज़ार था भाई, ये मारा गया खालिस्तान टाइगर फोर्स का जे वहाँ पर लीडर था, अभी जुलाई पहले की बात है, थोड़ा 4-5 महीने पहले की बात है, तब इसकी डेथ हुई थी। और अब ना जे इंडिया पर अलर्ज किया भी, इंडिया ने इसको हमारी ज़मीन पर आकर मार दिया, हमारी सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट किया, समझे ये तो बात। अब इंडिया ने क्या किया, हमने क्या, उनका जो हमारा हाई कमिश्नर होता है भाई, दोनों कंट्री ने अपने उनको हटा दिया, भेज दिया वापस। हाई कमिश्नर कहाँ पर होगा, ये बात भी समझो, जो भी पहले ना ब्रिटिश के अंदर रह चुके हैं कॉलोनीज है उनकी, कॉमनवेल्थ का पार्ट है वो, क्या वहाँ पर क्या होते हैं हाई कमिश्नर, जैसे कि यूएसए है वो ब्रिटिश के अंडर नहीं रहा, वो कहाँ उसको क्या होंगे, हमारे जो एम्बेसडर होंगे वहाँ पर, हम एम्बेसडर वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर हाई कमिश्नर यूज़ करते हैं भाई। अब देखिए, अब देखो दोनों कंट्रीज ने बंद कर दिया, उनके जो मिनिस्टर थे मेनली हाई कमिश्नर थे उनको वापस बुला लिया, अपने कंट्री में भेज दिया गया। साथ ही में और क्या हुआ, वीज़ा की जो सहूलत प्रोवाइड होती थी भाई, वीज़ा प्रोवाइड करते थे वो बंद कर दिया। अब और क्या होगा, डिप्लोमेटिक तो बायकॉट हो चुका है, अब जो कैनेडा चाहता क्या है भाई, G7 के अंदर, 5i कंट्री के अंदर इंडिया को बदनाम किया जाए। G7 के अंदर आपको पता है कनाडा भी है, जापान भी है, USA भी है, कनाडा यहाँ पर, जापान, इटली, जर्मनी, USA, UK, साथ ही में यहाँ पर फ्रांस, ये सातों कंट्रीज आपको दिखाई देती हैं। जापान ने तो प्रॉपरली कह दिया भी हम इनको यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते भाई, हम तो पीछे हैं। USA अब कुछ बोल नहीं रहा, USA के यहाँ पर बाउंड्री लगती है, कल को अगर दिक्कत आ जाए, मेनली इनके रिलेशन ख़त्म होंगे कनाडा के साथ में, दिक्कत आ सकती है मेनली इनको। अगर देखें हमारे इंडिया और कनाडा के बीच में कितने जो बिलियन का हम ट्रेड करते हैं जी, 8.16 बिलियन का, 4.1 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वहीं पर जो 4.06 का यहाँ पर कनाडा एक्सपोर्ट करता है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम है, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था वो अब ख़त्म हो चुका है भाई, कोई चांस नहीं है उसके, ड्यू टू दिस पर्सन जस्टिन ट्रूडो। सो मेनली बातें जो भी चल रही थी न्यूज़ में मैंने आपको बता दी। अभी बहुत से जैसे कि शुभ सिंह, उसको बायकॉट किया गया इंडिया के अंदर, और एक उनका टेररिस्ट और मार दिया गया वो वहाँ पर। सो ऐसे कुछ और भी इवेंट चलते जा रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं इनकी डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट कंप्लीट होने जाने दो। हमारी मीडिया ने ना मुद्दा उठा रखा है भाई, कोई सिर पैर की बातें नहीं है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, वही बात दोबारा दोबारा रिपीट करते जा रहे हैं वो। सो दैट्स वाई अभी न्यू वीडियो बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंसेप्ट पूरा होने दो, देन डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, प्रॉपर जो भी फैक्ट यहाँ पर होंगे को कंप्लीट कर लेंगे हम। अब देखें जी, अब जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा मैंने आपसे, देखो टोटल कंट्री आप पर आपको दिखाई देंगी 23। मैक्सिमम लोग सोचते होंगे अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको तीन कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर 23 कंट्री दिखाई देती हैं आपको। हेडक्वार्टर जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के कहाँ पर है, इन दी कैनेडा के अंदर, इन दी ओटावा, सॉरी मॉन्ट्रियल के अंदर, ठीक है, मॉन्ट्रियल कैनेडा के अंदर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वो सुपीरियर लेक है, जो कि बाउंड्री ऑफ दी USA एंड कनाडा पर पाया जाता है भाई। फीफा मैंस वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ पर कंडक्ट होगा, ये होगा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, मीन्स के मैक्सिको, USA एंड कनाडा के अंदर। और ना एक बात और भाई, जो यहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला है मैंस का, T20 का वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर, वो भी कहाँ पर होगा,
इन दी यूएसए के अंदर, समझे बात भाई। देन देखिए बाउंड्री बिटवीन दी कैनेडा एंड यूएसए, उसका नेम बताओ वो कौन सी है हमारी 49th पैरेलल। देन फेडरल स्ट्रक्चर है जो इंडिया का, मेनली जो पावर डिस्प्यूट होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन सेंटर हमेशा पावरफुल रहेगा, वो हमने कहाँ से लिया, कैनेडा से लिया। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुई थी, कैनेडा के अंदर 1930 में। कैनेडा का जो मार्कम सिटी है उसका स्ट्रीट है उसका नेम रखा गया था किनके नेम पर, जो हमारे भाई इंडिया के अच्छे एक सिंगर हैं, एक कंपोजर भी हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका नेम क्या है जी, हमारा AR रहमान। इनको मोजार्ट ऑफ द मद्रास के नाम से भी जानते हैं, मेरे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। लेकिन फर्स्ट कंट्री जिसने बार्निंग लेवल प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था सभी सिगरेट पर, वो कौन से है, कैनेडा। अब देखो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, ये भी कैनेडा के अंदर मॉन्ट्रियल के अंदर, ठीक है। और कैनेडा की कैपिटल क्या है भाई, ओटावा, ठीक है। सो कैनेडा, मैक्सिको, यूएसए, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, कैनेडा की ओटावा। देन चलते हैं काठमांडू के, हमारा कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल अभी हाल ही में हेल्ड हुआ था, बताओ कहाँ पर, जैसे कि इसका नेम काठमांडू, काठमांडू क्या है भाई, कैपिटल ऑफ नेपाल। सो यहाँ पर काठमांडू दिखाई दे रहा है, जहाँ भी काठमांडू दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर ललितपुर यहाँ पर राइट आंसर होगा जी, हमारा राइट आंसर नहीं है। सो काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल ललितपुर नेपाल के अंदर कंडक्ट हुआ जी। कलिंगा उड़ीसा का मेनली नेम हुआ करता था पहले, आपको पता कलिंगा वॉर हुई थी अशोका ने, उसके बाद में अपने हथियार को त्याग दिया था। ओके सर, देन देखते हैं, आप ज़्यादा डीपली जाने की बात नहीं है, मेनली नेपाल के अंदर हुआ, ललितपुर के अंदर। जशोभूमि, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था, कौन सी स्टेट और यूटी के अंदर, बताओ, आपके पास है 10 सेकंड्स। सो सभी को पता होगा वैसे तो, इसका राइट आंसर हमारा दिल्ली, दिल्ली के अंदर हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया बाय द पीएम मोदी के द्वारा। 5400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को बता रहे हैं भाई न्यू दिल्ली में द्वारका के अंदर इस एक्सपो सेंटर को, मेनली आने वाले टाइम में भाई इंडिया जो सेंटर बनता जा रहा है, बहुत सी कंट्री यहाँ पर अपना जो आके रिप्रेजेंट करेंगी बहुत से इक्विपमेंट को। सो ऐसा एक एक्सपो सेंटर कन्वेंशन सेंटर हमने बनाने की यहाँ पर बात की थी, इसके पहले भी एक बन चुका भाई भारत मंडपम जहाँ पर G20 की समिट हुई थी, वैसा ही यहाँ पर जशोभूमि है, वो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों न्यू दिल्ली के अंदर है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीटिंग इंसेंटिव्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फैकल्टी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और भारत मंडपम से ये बड़ा है भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जी, देन डेनिस ऑस्टिन, हाल ही में इनकी डेथ हुई, बताओ ये क्या थे भाई, ये एक डिवेलपर थे किसके, ये थे यहाँ पर पावर पॉइंट के डिवेलपर थे, ठीक है सर, हाल ही में डेथ हो चुकी है, पावर पॉइंट के डेवलपर थे। इनके साथ में कौन थे, रॉबर्ट गैस्किन, दोनों की जॉइंट वेंचर था 1987 के अंदर, इन्होंने पावर पॉइंट को यहाँ पर डेवलप किया था, पावर पॉइंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई आपको यहाँ पर करवाने के लिए। सो एक कंप्यूटर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अब कुछ और ऑब्जरी हुई थी, दो डायरेक्ट हम वन लाइनर की फॉर्म इनको देख लेते हैं जी। यान बलमट, हाल ही में डेथ हुई, ये कौन थे भाई बताओ, इनके द्वारा डिस्कवर क्या हुआ था, इन्वेंट क्या हुआ था, डोली दी शिप। देन उसके बाद में बालारमती, एंड बालारमती ये कौन थे जी, ये हमारे इसरो के साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा काम डाउन किया गया था ना चंद्रयान 3, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था ऑन द सर्फेस ऑफ मून इन द साउथ पोल। सो यहाँ पर किया गया था, ये क्या थे कि साइंटिस्ट थे इसरो के। अरुण कुमार सिन्हा हाल ही में न्यूज में थे जी, क्या थे बताओ, एक स्पेशल ऑफिसर थे, डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर, मेनली जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलती है ना उसके अंडर थे भाई। देन अखिल मिश्रा जे एक एक्टर थे, 3D जो 3 Idiots मूवी आई थी उसके अंदर वो अपने लाइब्रेरियन का जो एक्ट किया था उन्होंने। देन गीता मेहता ये इंपॉर्टेंट है भाई जी, उड़ीसा के जो हमारे CM हैं नवीन पटनायक के सिस्टर हैं गीता महते,
हाल ही में डेथ हो चुकी है भाई। जे एक राइटर थे और फिल्म मेकर थे, पद्मश्री अवॉर्डी थे। देन सूर्य नारायण पात्रा, सूर्य नारायण पात्रा जे क्या थे, एक बीजू जनता दल जो लीडर थे उसके, और उड़ीसा असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। देन हेथ स्ट्रिक जे एक जिम्बाब्वे के बैट्समैन थे पहले भाई। अब देखो इनकी सभी की इमेज दिखा रहा हूँ आपको, देखो जे सभी इमेजेस हैं हमारी। जे क्या है, ईरान बलमट जे रहे भाई, डोली दी शीप इनके द्वारा यहाँ पर इन्वेंट हुई थी। देन उसके बाद में बालामती बलारामती जे रहे हमारे चंद्रयान 3 के अंदर, ठीक है। देन अरुण कुमार सिन्हा जे रहे भाई, स्पेशल ऑफिसर है। देन अखिल मिश्रा जे रहे 3 इडियट के एक्टर थे। देन गीता महते जो कि उड़ीसा के हमारे सीएम है, उनके सिस्टर हैं। उड़ीसा के सीएम कौन है भाई, नवीन पटनायक, और सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले सेकंड नंबर के सीएम बन चुके हैं ऑल ओवर दी इंडिया। देन सूर्य नारायण पात्रा जे रहे भाई। देन उसके बाद में हिल्स स्ट्रीक जे वेटरन क्रिकेटर थे, जिम्बाब्वे के पहले जे कोच भी रह चुके हैं बहुत सी कंट्रीज के लिए। सो जे रहे भाई, ठीक है। सो आपको रिवाइज भी करवाया, इमेजेस भी दिखा दी भाई। कल को अगर इमेज पूछ ले आपसे तो पहचानो कौन, सो देन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट। न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे नासकॉम के, नेम बता दो उनका, उनका नेम हमारा क्या है जी, यहाँ पर राजेश निम्बेर। सो मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत कम चांस है यहाँ पर पूछने के, फिर भी चलो रिवाइज करना तो बनता है भाई। जो न्यूज़ में आई थी चीज़ वो तो दिमाग में होनी चाहिए जी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, सो इसके बनाए गए थे हाल ही में चेयरमैन राजेश निम्बेर। देन देखें हॉकी 5S एशिया कप हुआ, मेरे लिए ना क्वालिफाई होता है भाई जो हमारे ओलंपिक्स के लिए, सो दैट्स वाई जो इवेंट होते रहते हैं। हाल ही में मेंस और वुमेन्स की टीम में किसने जीता, दोनों इवेंट यहाँ पर इंडिया ने जीत लिए हैं भाई। जो इंडिया के जो मैन थे उन्होंने तो यहाँ पर बीट किया पाकिस्तान को, लेकिन वुमेन के अंदर देखे उन्होंने यहाँ पर बीट किया थाईलैंड को, ठीक है। सो एशिया 5S एशिया कप जो कि 2023 का सलाह ओमान के अंदर हुआ था, इंडिया के जो मैंस ने यहाँ पर पाकिस्तान को हरा कर जीता, और अगर देखें वुमेन के अंदर इंडिया ने बीट किया थाईलैंड को, ठीक है सर, इम्पोर्टेंट है। सो कुछ बातें रिवाइज करनी बनती हैं। देन चलते हैं एशिया क्रिकेट कप 2023 का किसने जीता, सो इसके लिए 10 सेकंड देने के बनते नहीं है भाई, बकवास का क्वेश्चन है, सभी को पता है इंडिया ने बीट किया श्रीलंका को। 16th एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां पर हेल्ड हुआ था बताओ, सो ये ज्वाइंटली हेल्ड हुआ था एज अ हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर। अब ये सभी जो उसका क्रक्स है भाई, एशिया कप 2023 का 16th एडिशन था जे श्रीलंका के अंदर कोलंबो में प्रेमादासा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, इंडिया ने बीट किया श्रीलंका को, और मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर कुलदीप यादव, और मैन ऑफ द मैच यहाँ पर मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज ही ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो कि ओडीआई के अंदर नंबर टॉप पर पहुंच चुके हैं अभी बॉलिंग की कैटेगरी में। देखें विच प्लेयर कंप्लीट दी 13,000 रन इन दी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हाल ही में बताओ, फास्टेस्ट बन चुके हैं 13,000 रन को कंप्लीट करने वाले, ये हैं विराट कोहली। सो एशिया कप के अंदर ही किया इन्होंने, इसके पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, जयसूर्या, महिला जयवर्धने चारों भी कंप्लीट कर चुके थे भाई। अब देखें 10,000 रन कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा जी ओडीआई के अंदर। सो ये कुछ न्यूज़ में थी भाई, इनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ओनली फास्टली कंप्लीट करता जा रहा हूँ। देन देखें मोंडू डप्लेंटिस, इन्होंने अभी हाल ही में 7th टाइम ना पोल वॉल्ट के अंदर इन दी डायमंड लीग हुई थी जो कि यूएसए यूगन के अंदर, सो वहाँ पर अपना भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया 7 टाइम। सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं जी बताओ, जी आपके लिए एक 10 सेकंड दे देते हैं भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अगर आपने रेडी किया है देन आपको दिमाग लगाने में दिक्कत आएगी। सो 10 सेकंड है, कर लो जल्दी से रिवाइज करो देन बताओ। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा जी, स्वीडन। सो जीत चुके हैं जी। अब यहीं पर जो एक गन डायमंड लीग हुई थी, अगर देखें नीरज चोपड़ा जी जो हमारे इंडियन जेवलिन थ्रोअर है, जे यहाँ पर सिल्वर मेडल को जीत चुके हैं भाई। सो इसी इवेंट के अंदर एक गन डायमंड लीग के अंदर,
सो इंडिया के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, और जो इनका नेम भी ध्यान में रखना, 7 टाइम भाई रिकॉर्ड बना चुके हैं, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। मोंटू डुप्लेंटिस जो स्वीडन से बिलोंग करते हैं, पोल बॉल्ट के अंदर खेलते हैं, 7 टाइम अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट के अंदर बताएं? ये लॉन्च हुआ था जी इन दी महाराष्ट्र के अंदर। अभी हाल ही में जो पीएम मोदी हैं उनके भी 73 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं बर्थ के बाद में। उसके रिस्पेक्ट में महाराष्ट्र के अंदर नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तभी यहाँ पर 73 73 73 आपको दिखाई दे रहा है सभी बातें। इसके अंदर ना यहाँ पर नमो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वर्कर वेलफेयर के लिए, ट्राइबल स्कूल्स के लिए, ऐसे ही सभी यहाँ पर 11 स्कीम्स हैं वो अपने ध्यान में नहीं रख सकते, मुझे पता है भाई। जो लिखी हुई है वो तो ध्यान में रखना ही रखना, रिवाइज कर लेना ओनली। वहाँ पर जो 73 लिखा हुआ है वो तो आपको आसानी हो जाएगी। और देखें सिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट, ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट, 73 सिटीज़ को कलेक्ट किया गया यहाँ पर। पिलग्रीम एंड साथ में फोर प्रोटेक्शन मिशन, 73 जो हिस्टोरिक श्राइन है उनको यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे। शिकारी महासम्मान योजना, इसके अंदर फार्मर्स की हेल्प के लिए, ओके। भाई एकनाथ शिंदे यहाँ पर सीएम है हमारे महाराष्ट्र के, उनके द्वारा लॉन्च हुआ इस प्रोजेक्ट को। देन देखते हैं बंगास वैली फेस्टिवल कहाँ पर स्टार्ट हुआ था हाल ही में बताओ। ये हुआ था हिंदी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है सर। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी, जो नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको हेल्ड किया गया हिंदी बनगस वैली के अंदर। मेरी जो आर्टिस्ट के पास एक प्लेटफॉर्म है, अपनी आर्ट को दिखा सकते हैं, क्राफ्ट को दिखा सकते हैं। कैपिटल हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड जम्मू, दोनों इसकी कैपिटल हैं भाई। देन देखें वैसे तो कैपिटल नहीं है भाई, इसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि आपको पता है ड्यूटी बन चुका है। ड्यूटी की कोई कैपिटल नहीं होती। साफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 की कहां पर हेल्ड हुई थी बता सकते हो? जो हेल्ड हुई थी हिंदी इंडिया के अंदर, पहले साफ जो हमारा फुटबॉल कप हुआ था उसको इंडिया ने जीता था भाई, आपको पता होगा कुवैत को हरा करके। ये भी इंडिया के अंदर कंडक्ट हुई थी और यहां पर इंडिया ने जीत लिया इसको बांग्लादेश को हरा के भूटान के अंदर, सॉरी जे भूटान के अंदर हेल्ड हुई, इस टाइटल को जीता इंडिया ने, ठीक है, बांग्लादेश को हरा करके, ओके जी। बेस्ट गोलकीपर सुराज सिंह, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर मोहम्मद अरवास। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, उनको छोड़ सकते हो, मेरे लिए ये बातें ध्यान में रखना किसने जीता किसने को हराया कहां पर हुआ भूटान के अंदर। देन देखिए यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था फार्मर लोन पोर्टल, जो कि विद दी वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम मैन्युअली प्रोवाइड करेगा, बताओ कौन से मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुआ था जी? जी लॉन्च हुआ था बाय दी निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है सर। निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर 3 हमारी जो फार्मर्स की वेलफेयर के लिए स्कीम्स लॉन्च की, कौन कौन सी की? यहाँ पर किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया, डोर टू डोर केसीसी कैंपेन लॉन्च किया, ये तीनों यहाँ पर इनिशिएटिव अभी लॉन्च हुए थे मेनली। साथ ही में यहाँ पर वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम मैन्युअली, ये लॉन्च हुआ था भाई, ठीक है। जो ऋण मीन्स के लोन प्रोवाइड करना, डोर टू डोर केसीसी हमारा क्या है, नो यूअर कस्टमर, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड होगी यहाँ पर। देन वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस हमारा पोर्टल। तीनों को ध्यान में रखना, रिवाइज करते रहना निर्मला सीतारमण के द्वारा। साथ ही में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे जूनियर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देन देखें जी नुकाई जो फेस्टिवल है कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन सी स्टेट के अंदर? ये लॉन्च हुआ था हिंदी उड़ीसा के अंदर, सिंपल सी बात भाई।
उड़ीसा में जो एक फेस्टिवल है, मेनली जब न्यू राइस आते हैं देन इसको सेलिब्रेट करते हैं, मेनली नियर दी फॉलोइंग करता है भी आफ्टर अ डे ऑफ गणेश चतुर्थी वेस्टर्न जो उड़ीसा के अंदर, इन दी सेम दिंगा इन दी झारखंड के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं। नोई मीन्स के न्यू एंड खाई मीन्स के फूड, जब न्यू फूड की हमारी फसल आती है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है देन इसको किया जाता है भी इन दी उड़ीसा एंड झारखंड के अंदर। देन देखें ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के अंदर बताओ इंडिया की रैंक, सॉरी कौन सी कंट्री ने इसको टॉप किया वो बताओ ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स को लेकर। सो यहां पर टॉप किया जी इंडिया ने, इंडिया ने टॉप किया। सो ये बातें सभी मैंने राइड कर दी हैं। बाय द क्रिप्टो एनालिसिस चीन एनालिसिस के द्वारा इसको निकाला गया था, इंडिया यहाँ पर टॉप पर रहा। प्रीवियसली 2022 में यहाँ पर इंडिया फोर्थ नंबर पर था। यहाँ पर ओवरऑल 154 नेशन को हमने रैंकिंग प्रोवाइड की। सेकंड नंबर पर नाइजीरिया, थर्ड पर वियतनाम, थर्ड जो फिर यूएसए एंड यूक्रेन। ठीक है सर, देन चलते हैं भाई। अब देखें एलेवनील बेलारूविस जो अभी इनका नेम प्रनाउंस कर लेना भाई अपने आप से, इन्होंने अभी हाल ही में ना विन किया था एयर राइफल के अंदर गोल्ड जो रियो वर्ल्ड कप हुआ था ना वहाँ पर। बताओ जी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं जी। सो जी बिलोंग करते हैं फ्रॉम द इंडिया। सो जे रहे, सो इनका नेम ऐसा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, सो आपको दिक्कत आ सकती है भी कोई और कंट्री टिक लगा सकते हो, लेकिन जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के शूटर हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो ISSF जो वर्ल्ड कप हुआ शूटिंग का मेनली दी ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीता वुमेन कैटेगरी में। और इसकी ओवरऑल रैंकिंग देखें, फर्स्ट पर आपको इटली दिखाई देगा, सेकंड पर चाइना। ठीक है जी, और इंडिया ने यहाँ पर फिनिश किया फिफ्थ नंबर पर आफ्टर दी जर्मनी एंड फ्रांस। देन देखें स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, सो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था बताइए। सो इसको लॉन्च किया था यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ये कौन है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी साथ में संभालते हैं जी। ठीक है जी, और यहाँ पर मेनली क्या है भाई जो हमारे रूलर यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनको चैलेंजेस के लिए आने वाले टाइम में जो भी फ्यूचर में जॉब्स मिल सकती हैं उनके अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उनको हमारी अपस्किलिंग करने के लिए ये लॉन्च हुआ था। ठीक है सर, मेनली एक बैंड की तरह एक बस जहाँ पर लॉन्च हुई है जो प्रोवाइड करती है भाई असिस्टेंस स्किलिंग प्रोवाइड करने में हमारी रूरल एरिया में हेल्प करेगी। तन चलते हैं जी, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का अभी हाल ही में नेम रखा गया था, उसका नेम बताओ, मैक्सिमम लोगों को पता है इसका नेम क्या था, संविधान सदन, संविधान सदन। तन CM लाडली बहना अवाह योजना कहाँ पर लॉन्च हुई, लाडली बहना कहाँ पर लॉन्च हुई थी जी, ये लॉन्च हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, लाडली बहना अवाह योजना ये भी कहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। सो मेनली हमारी वुमेन्स को ना हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करने को लेकर के ये लॉन्च हुआ था भाई। रेड पैंडा डे बताओ ऑन दी 16th September को, मेरी थर्ड सैटरडे ऑफ इन दी सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं 2023 के अंदर, हमने 16th September को किया भाई। जो रेड पांडा नेटवर्क का साथ में वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसको बनाते हैं, जो कंचनजंगा लैंडस्केप ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के अंदर जो पाए जाते हैं, इसका स्टेटस देखें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है और साइंटिफिक नेम इसका एलरस फाल्गेंस, और मेनली इंडिया भूटान चाइना नेपाल और म्यांमार के अंदर इसको लीगली प्रोटेक्टेड स्पीसीज माना गया भाई। ठीक है, मेनली जो थर्ड सैटरडे कब करते हैं 16 सितंबर को 2023 के अंदर किया, और काजीरंगा कंचनजंगा मेनली जो हमारी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मीन्स की यूनेस्को की साइट है, कहाँ पर है सिक्किम के अंदर है, और इंडिया की सबसे ऊँची पीक भी है अभी हमारा कंचनजंगा। ठीक है, देन चलते हैं भाई, वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डे बताओ जी हमने किया ऑन दी 16th September को, 16th September को। ठीक है, थीम यहाँ पर बताओ, थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, देन वर्ल्ड बैम्बू डे ऑन दिस 18th September को,
और टाइम मैगजीन के द्वारा दी वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की लिस्ट निकाली गई थी। ओनली इंडियन कंपनी बताओ जो कि टॉप 100 में थी वहां पर। उसका नेम है जी हमारा इन्फोसिस। सो इन्फोसिस जो कि यहाँ पर एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा बनाई गई थी। आपको पता हो यूके के जो पीएम है वो भी इसके इसके जमाता है भाई, जो इनकी डॉटर थी उनकी हस्बैंड है। ओनली जो हमारी टॉप 100 के अंदर रही इन्फोसिस, जो कि वर्ल्ड बेस्ट की लिस्ट निकाली गई थी भाई टाइम्स मैगजीन के द्वारा। और देन फर्स्ट पर देखें वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पर एप्पल, थर्ड पर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आपको पता है फेसबुक वाले जो हमारी गूगल को हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। और फोर्थ पर मेटा मीन्स की फेसबुक, एंड फिफ्थ पर यहाँ पर एक कंच जो कि आयरलैंड की कंपनी है भाई। चारों तो पहले यूएसए की हैं। अब देखें टीम इंडिया की जर्सी को आने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए लॉन्च किया गया कौन सी कंपनी के द्वारा बताओ। सो ये लॉन्च किया एडिडास ने। तन देखें मुख्य मंत्री लाडली आवास इस द्वारा करवा चुका हूँ भाई, मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च हुआ था, गलती से आ गया वहाँ पर। ये देखें सीएम यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, भोपाल के अंदर लॉन्च हुआ, मेनली बेनिफिट करने को, हाउसिंग फैकल्टी प्रोवाइड करने को हमारे जो कुछ लोग अभी तक जिनको घर नहीं मिला भाई, जो इसके बेनिफिशरी होंगे यहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया था इन दी मध्य प्रदेश के अंदर। देन देखते हैं भाई ग्रह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कहाँ पर लॉन्च हुई, ये हुई कर्नाटका के अंदर, जो हमारी वुमेन्स को 2000 प्रोवाइड करने के लिए। देन पोषण अभियान लॉन्च हुआ था कौन सी ईयर के अंदर बताओ। सो जी हमने लॉन्च किया था 2018 के अंदर। सो पोषण अभियान की फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, पीएम ओवररीचिंग स्कीम फॉर दी होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जो मेनली हमारा सितंबर का मंथ है उसको हम एज अ पोषण माह के रूप में जानते हैं। अब 2023 में इसका 6th एडिशन है। थीम यहाँ पर पोषित भारत, सक्षर भारत, साथी में सशक्त भारत। सो पहले खाने को दो, फिर एजुकेशन प्रोवाइड करने को लेकर, सो मेनली न्यूट्रिशन रिच, एजुकेशन रिच एंड एम्पावर इंडिया, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 के अंदर, झुंझुनू इंदी राजस्थान में लॉन्च हुआ, मेनली बेस्टिंग अनीमिया जैसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, स्टंटिंग जैसी, ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था। यहाँ पर 6 ईयर के जो भी बच्चे हैं भाई, उनके छोटे हैं, जो भी एज प्रेग्नेंट वूमेंस, जो लैक्टेटिंग मदर मेनली जो अपने बेबी को मिल्क प्रोवाइड करती हैं, पिलाती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, उनको हेल्प करने को मेनली ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था भाई, इम्पोर्टेंट स्कीम है। देन चलते हैं जी, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर द डिजिटल फेयर पेमेंट, ये कौन सी कंपनी ने, कौन सी बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था बताओ। सो जी लॉन्च हुआ था जी SBI के अंदर। सो SBI ने मेरे लिए जो उनका डेबिट कार्ड है, उनका कार्ड है, उसके जरिए आप पर जो भी ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो वहाँ पर भी उसको यूज कर सकते हो जी। इसको रुपई हमारा जो इंडिया का इंडिजीनियसली नेटवर्क है, इसने लॉन्च किया था विद दी हेल्प ऑफ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में मीट करने के बाद में, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था मेरे लिए हमारी कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी। अभी चेयरमैन ऑफ SBI कौन है, दिनेश कुमार खैरा, और MD यहाँ पर बिने तोंशी। देन देखें इंडिया फॉर्म्ड कमेटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि लीड करेगा, कौन लीड करेगा भी इसको बताओ। से कमेटी बनाई थी भी आने वाले टाइम में वन नेशन वन इलेक्शन को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जांचने के लिए, रामनाथ कोविंद जो पहले हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके अंडर इस कमेटी को बनाया गया था भाई, ठीक है जी। देन देखें फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट जिसने यहाँ पर आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन को लॉन्च किया था, इनिशिएटिव को बताओ। आधार लिंक्ड बर्थ सर्टिफिकेशन ये लॉन्च हुआ था इन दी नागालैंड के अंदर। अब देखें 9th जो एशियन गेम्स होस्ट कर रही है कौन सी कंट्री बताओ। जी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट लेकिन
सो ये यहाँ पर लॉन्च कर रही है जी चाइना, चाइना इसको लॉन्च कर, चाइना यहाँ पर होस्ट कर रहा है अभी ना। यहाँ पर जो मस्कट है, चिन चिन चोंग चोंग लिन लिन, इसको ध्यान रखना भाई, चिन चिन चोंग चोंग लिन लिन इसके मस्कट हैं। 2022 में होना था लेकिन कोविड की रिस्ट्रिक्शन के कारण 2023 में इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। कहाँ पर? चाइना के अंदर। जो हमारे हरमनप्रीत सिंह है, जो मैन हॉकी के प्लेयर हैं, हमारे कैप्टन है, दिल लोवीना बोरग्रोव जो कि हमारे बॉक्सर हैं, इनको इनको फ्लैग बैरियर की तरह यहाँ पर रखा गया मेनली ओपन सेरेमनी के अंदर। अब मूल एज आ ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था इंडियन कॉन्टीजेंट का, देन उड़ीसा ने फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की थी 10 लाख की, जो भी 13 एथलीट जो उड़ीसा से यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। देन हाल ही में जो हमारे जूनियर स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर ने बताया भी, हम यहाँ पर ये ट्रिप कैंसिल कर रहे थे अपना, जो जहाँ पर जाने का मेनली अपना भाई प्लेयर तो हमारे जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जाएंगे, क्योंकि ना हाल ही में चाइना ने क्या किया, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर हैं, 3 प्लेयर को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया, उनको वीजा देने से बंद कर दिया भाई। ठीक है, दैट्स वाई वो हमारे बुशो का प्लेयर है फ्रॉम दी अरुणाचल प्रदेश, तो दैट्स वाई उसके प्रोटेस्ट में ये स्टार्ट हुआ भाई थी। अनुराग ठाकुर ने कहा भी मैं उसको नहीं जाऊँगा। देन 1951 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था एशियन गेम्स का, न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट हुआ था भाई। ठीक है जी, वो 2018 के अंदर इसका 18th एडिशन हुआ था, 2018 के अंदर इसका 18th एडिशन हुआ था। सो प्लीज़ बताना कहाँ पर हुआ था, सो जी आपने बताना है भाई। ठीक है, देन चलते हैं। हु वॉन द टाइटल ऑफ द मिस अर्थ इंडिया 2023 का बताओ? इनका राइट आंसर हमारा क्या है जी? प्रियांश सेन, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया का 2023 का टाइटल जीत चुके हैं भाई। सो ये भाई देन देखें, 2022 के अंदर जो अंशिका परमार थे, इन्होंने जीत लिया था, वो इंडिया को यहाँ पर मिस अर्थ 2023 के जो पेंजेंट होगा वियतनाम के अंदर, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वो आने वाले टाइम में ये भी करेंगे। ठीक है जी, सो जो हमारे जो देखो, एक हमारे परवीना अनजाना हैं, वो डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 के बने। देन मिस इंडिया 2023 के बने भाई कहाँ पर होगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब देखें, वॉरशिप महेंद्र गिरी बिल्ड हुई थी कौन सी शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा? ये बनाई गई थी बाय द मैजकॉक टॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है सर, सो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था इन दी मुंबई के अंदर। 14th वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस कहाँ पर हेल्ड हुई? ये हुई थी हिंदी मुंबई के अंदर। ठीक है सर, मेनली स्पाइसेस को प्रमोट करेंगे, इंडिया स्पाइस बोल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, मेनली केरला के अंदर आपको पता है कैडमियम ब्लैक पेपर जो इसकी बहुत सी अच्छी प्रोडक्शन है, पहले जो पोर्चुगीज आए थे वो भी यहाँ पर मसालों के जरिए मेनली स्पाइसेस को ही मेनली सेल परचेज के लिए यहाँ पर आए थे, बाद में उन्होंने जब अपना अपना कब्जा स्टार्ट किया। भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर हुआ भाई, वहाँ पर एक स्टैचू लॉन्च हुआ था, स्टैचू अनवील हुआ था, जो टोल स्टैचू है नटराज का, नटराजा स्टैचू, वो बनाया किसके द्वारा गया था भाई? किन्होंने इसको बनाया था उस स्टैचू को? ये बनाया गया था राधा कृष्णन सत्यपाथी के द्वारा, जो मेनली यहाँ पर बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी तमिलनाडु से। ठीक है जी, सो इसको डिजाइन किया गया था न्यू दिल्ली में, जो हमारी भारत मंडपम है उसके आगे इनवील किया गया था। भारत मंडपम में अंदर हमारी G20 की मीट हुई थी, वहाँ पर आपको पता है G20 अब G20 नहीं रहा। अब लॉर्ड नटराजा के बारे में भी बैक्ट बैक्ट लिख रखे हैं, यहाँ पर फैक्ट है, यहाँ पर हिंदू लॉर्ड शिवा को रिलेट करता है भाई, यहाँ पर चोला स्क्रिप्चर के अंदर बनाया गया था जे, और इसके अंदर भी डमरू दिखाई देता है जो साउंड ऑफ क्रिएशन को क्रिएट हो रही है दुनिया, इथेनल फायर जो कि डिस्ट्रैक्शन को, देन यहाँ पर आपको उनका जो नीचे वाला हाथ है नीचे की ओर दिखाई देगा वो साल्वेशन को। ठीक है जी, कैसे आप परमात्मा से जुड़ सकते हो, देन वो जो उनका साइज है वो स्मॉल है, दैट्स वाई जो इग्नोरेंस को एंड साथ में ईगो को रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल की। ओके, जहाँ पर एक बात रह गई हमारी, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड है जो ऊपर की ओर है वो अपने डिबोटी को बताता है भी अपना भी अपने भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भी आओ और अपने पाथ ऑफ सेल्वेशन को यहाँ पर कंसिडर करो, जो राइट वाला हैंड है जी ऊपर वाला। ठीक है जी, देन देखें सर, यहाँ पर जो
सोर्स ऑफ ऑल हमारे मूवमेंट विद इन द कॉस्मोस, जो उनका डांस फॉर्म है वो डूम्स डे को रिप्रेजेंट करता है, जो लास्ट डे ऑफ अर्थ होगा। एंड जो उनके जो जटाएं हैं, यहाँ पर गंगा, आपको पता है गंगा जहाँ से धरती पर आई थी, उसको रिप्रेजेंट करते हुए एक अर्ध नागेश्वर रूप दिखा रहा है भाई। नारेश्वर आदि शिव आदि पार्वती माता दोनों को रिप्रेजेंट करता हुआ जी स्टैचू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैचू है भाई न्यू, जहाँ पर भारत मंडपम के आगे इसको अनवील किया गया था। T20 की मीट 2024 में कहाँ पर होगी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, ब्राज़ील के अंदर। सो ये सभी कंट्रीज हैं भी, G20 की रीड करना चाहो कर सकते हो, जहाँ पर नहीं करनी तो G20 की मैंने स्पेशल वीडियो डाली हुई है। एक हमारी कैपिटल और करेंसी की वीडियो आई थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना भाई। राजघाट इज अ मेमोरियल इन दिल्ली रिलेटेड टू, बताओ राजघाट किससे रिलेट करता है, महात्मा गांधी से। सो सभी हमारे जो इंटरनेशनल लीडर थे वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था भाई, दैट्स व्हाई न्यूज़ में था। विच एडिशन ऑफ G20 इंडिया होस्ट इन 2023 एडिशन बताओ, ये है हमारा 18th एडिशन, ठीक है सर। सो 18th एडिशन हुआ December 1, 2022 से लेकर November 30, 2023 तक। वासुदेव कुटुंबकम थीम है जिसका मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2022 में इंडोनेशिया, 23 में इंडिया और 24 में ब्राज़ील। लोगो यहाँ पर भाई ये रहा सैफ्रन वाइट ग्रीन ब्लू कलर दिखाई देते हैं, जो मेनली इंस्पायर फ्रॉम द तिरंगा। और नीचे यहाँ पर बात लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में। G20 नहीं रहा, G20 बन चुका है। इसमें न्यू कंट्री कौन सी ऐड हुई बताओ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई जिसका नेम क्या है, अफ्रीकन यूनियन ऐड हुई यहाँ पर, ठीक है सर। ये बातें यहाँ पर लिख दी मैंने, जो अजाली असोमनी के द्वारा जो चेयरमैन है जो अफ्रीकन यूनियन की, उसको रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर मेंबर बन चुके हैं G20 का। देन देखें यहाँ पर इसकी जो हेडक्वार्टर है भाई अफ्रीकन यूनियन के एडिस अबाबा, जो कि कैपिटल है इथोपिया की, ठीक है सर। G20 समिट हुई थी वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया। मेनली ग्लोबल साउथ का इंडिया लीडर बनना चाहता है, मेनली जो डेवलपिंग कंट्री है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल ओवर दी बिग स्टेज पर, दैट्स वाई एज अ भी एक इंडिया की रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा स्टेप है जी। बरूना 23 बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में बताओ, तो ये है यहाँ पर फ्रांस के बीच में। इसका सेकंड फेज अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था भाई अरेबियन सी के अंदर, सो दैट्स वाई न्यूज़ में थी। देन बुक फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेथ इन द बनारस बताओ, इसको किसने लिखा भाई। इसको लिखा गया था भाई थी राधिका इंगर के द्वारा, राधिका इंगर के द्वारा फायर ऑन द गंगा। सो ये बताती है इस बुक में मेनली बनारस की जो सिटी है हमारी वाराणसी, उसको रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे आपको पता है वाराणसी में क्या है भाई, विश्वनाथ टेंपल, काशी विश्वनाथ टेंपल है वो, जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है भाई, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वहीं से हमारी गंगा विलास लॉन्च हुआ, ठीक है, साथ ही में पीएम मोदी का जो वो संसदीय क्षेत्र उनका इलेक्ट होते हैं वो। तन देखें न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स जो 2023 का आया था वहाँ पर टॉप पर कौन सी स्टेट है भाई, ये है हमारी पंजाब। सो अच्छी यहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू है, सभी को पता है अपने प्रोटीन्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है भाई, ठीक है जी। जो देखें अगर यहाँ पर आपको ना 11% अबव दिखाई देगा नेशनल एवरेज से, अगर देखें कर्नाटका जो सेकंड नंबर पर 9% अबव है, दिल्ली में 7%, उत्तराखंड 6, आसाम 5 और बॉटम में आपको दिखाई देगा बिहार सबसे लो यहाँ पर क्या है भाई नेशनल एवरेज है जो हमारी न्यूट्रिशन को लेकर के, ठीक है। देन ना अगर आपको पता नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी हम सेलिब्रेट करते हैं 1 से लेकर 7 सितंबर तक, जो कि मेनली 1st week of September को करते हैं। थीम यहाँ पर क्या थी, इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ बाय न्यूट्रिशन, ओके। देन चलते हैं जी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब किया, ये किया था हमने ऑन दी 8th September को। सो यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं, थीम यहाँ पर प्रमोटिंग द लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। सो साथ ही में इसी दिन भाई हम करते हैं भाई वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, इसकी भी थीम है यहाँ पर प्रिवेंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ दी
ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली यार अपने हमारी बॉडी को लेकर होती है जी, ठीक है, फिजिकली जो भी है उसको लेकर है, उसके मैनेजमेंट के लिए। अब जी लिटरेसी वीक भी होता है जी, जो कि हम सितंबर 1 से लेकर 8 तक सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर उल्लास एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हाल ही में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइवली लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है जी, एंड साथ ही में जन जन साक्षर, सो सभी को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ना जी यहाँ पर पोर्टल लॉन्च हुआ, लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था किन के द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि मेनली हमारी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है भाई, ठीक है। देन इसके 5 कंपोनेंट हैं, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, साथ ही में कंटिन्यूइंग दी एजुकेशन। ये कुछ फैक्ट हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट है जो इसको जो प्रमोट करेगी हमारी स्कीम। सो मेनली यहाँ पर ध्यान में रखना, उल्लास पूछ सकते हैं जी क्या है भाई, एक न्यू प्रोग्राम है लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया, बाय धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देन चलते हैं जी, मोदी स्कीम लॉन्च हुई कहाँ पर बताओ? यह मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, मेनली अवार्ड प्रोवाइड करने के लिए, जो भी इनिशिएटिव जो भी अच्छा करेगी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर, ये आसाम में लॉन्च हुआ था जी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, जो भी अच्छा काम कर रही है मेनली ना क्लीननेस के लिए, उनको हेल्प करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम ये हुई थी तमिलनाडु के अंदर। लीप लॉन्च एम्पावर एक्सलरेट प्रोस्पर, जो कोवर्कर मिशन लॉन्च हुआ कहाँ पर? ये लॉन्च हुआ केरला के अंदर। क्यों हुआ? मेरे स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी। देन देखें मोटो जीपी, जो सेंट्रली गॉड स्पॉन्सरशिप ऑफ दी फर्स्ट जो मोटो जीपी रेस कंडक्ट होगी इंडिया के अंदर, उसकी जो स्पॉन्सरशिप किसने ले ली थी भाई? ये यहाँ पर ले ली है इंडियन ऑयल ने। सो जो मोटो जीपी है फर्स्ट एडिशन जो इंडिया के अंदर हो रहा है भाई, कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा इन दी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, इंडियन ऑयल इसका जो टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। देन देखें फिफ्थ जो नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की हुई, किसने जीती? महाराष्ट्र ने जीती। किसको हरा कर जीता? कर्नाटक को हरा करके जीता, ठीक है। देन देखें सी एम सपोर्टिंग एबिलिटी री बिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम सबल नाम की स्कीम लॉन्च हुई थी, कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। सो हमारे फिजिकली चैलेंज पीपल हैं उनकी एबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट कर मेनली हेल्प करने को लेकर के, ठीक है जी। कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं भाई हिमाचल प्रदेश के बारे में, अपने आप से रीड कर सकते हो, जहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अब जो हिंदी में लिख रखा है इसको भी रीड कर सकते हो। देन देखें जो हमारी सिटी बन चुकी है सेकंड सिटी इन इंडिया जिसने इंप्लीमेंट किया था एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को आफ्टर दी सूरत, गुजरात के अंदर ही है भाई। सो ये लॉन्च हुआ था अहमदाबाद के अंदर। सो मेनली जैसे इसका नेम है, मेनली एमिशन को कैसे कम करें, कार्बन एमिशन कम होगी, पोल्यूटेंट पार्टिकल कम होंगे, देन अच्छे से हम जी सकते हैं भाई। मूव लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बताओ इन दी मध्य प्रदेश के अंदर, जो भी मॉब लिंचिंग के विक्टिम होंगे उनको यहाँ पर 10 लाख तक का कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी सरकार। और यहाँ पर लाडली बहना आवास योजना हाउसिंग स्कीम ये भी यहीं पर लॉन्च हुई थी हिंदी मध्य प्रदेश। सवेरा स्कीम जो कि असिस्ट करेगी सीनियर सिटीजन्स को, कहाँ पर लॉन्च हुई थी, किन के द्वारा लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी यहाँ पर प्रयागराज पुलिस के द्वारा। नंदिनी कृषिक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषिक समृद्धि योजना कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुई बता सकते हो? मेनली फार्मर्स की हेल्प के लिए ये लॉन्च हुई थी हिंदी उत्तर प्रदेश के अंदर। फार्मर नहीं मेनली ना जो हमारे कैटल ब्रीडिंग लाइव स्टॉक को पालते हैं उनकी हेल्प को लेकर के, ठीक है। ओके देन आपको पता है ना कुछ हमारी जो देसी ब्रीड्स होती है इंडिजिनस ब्रीड होते हैं, सैनिया सैनीवाल गिर थारपकार गंगात्री। सो जो हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन को इनकी बूस्ट करने के लिए जहाँ पर नंद बाबा मिशन लॉन्च हुआ था, वैसे ही यहाँ पर नंदिनी कृषि समृद्धि योजना भी लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर।
नेक्स्ट यहाँ पर देखें क्लिगनर मैगलीर उर्मई थगोई थितम। सो इसका भाई ये हिंदी जहाँ पर जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर दिया हुआ है, कौन सी स्टेट के अंदर दिया गया था, तमिलनाडु के अंदर। सो क्यों दिया गया था मैं ये बता सकता हूँ भाई, यहाँ पर 1000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करेंगे वुमेंस को, जैसे कि ग्रह लक्ष्मी हिंदी कर्नाटका के अंदर, वैसे वुमेन को पंजाब के अंदर भी बता रहे थे ऐसी स्कीम लॉन्च करने को लेकर के। नेम अलग होगा वहाँ पर, सो इसका नेम भाई अपने आप से प्रनाउंस कर लेना, सोशल वेलफेयर स्कीम है तमिलनाडु के अंदर, 15 सितंबर को लॉन्च हुई। देन देखें भगवान बिरसा मुंडा साथी में जोड़ा जोधा रास्ते, एक स्कीम लॉन्च हुई है भगवान बिरसा मुंडा जोधा रास्ते, कहाँ पर लॉन्च हुई, ये लॉन्च हुई महाराष्ट्र के अंदर। क्यों लॉन्च हुई देखो, सो ये लॉन्च हुई ना जो भी हमारे ट्राइबल विलेज हैं उनको लिंक करने को लेकर के विद दी मेन रोड के साथ में, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री संपूर्ण प्राप्ति योजना, ये लॉन्च हुई थी कहाँ पर, सो ये लॉन्च हुई थी हिंदी उड़ीसा के अंदर। मेनली न्यूट्रिशन वैल्यू फूड प्रोवाइड करने को सिटीजन के लिए, मदर गर्ल्स चिल्ड्रन प्रॉपर यहाँ पर संपूर्ण प्राप्ति मीन्स के प्रॉपर फूड प्रोवाइड करेंगे उड़ीसा के अंदर थ्रू दिस स्कीम। देन पड़ा पुष्टि योजना लॉन्च हुई जो कि हाई क्वालिटी यहाँ पर कुकड फूड प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रन को। ममता योजना ये इंपॉर्टेंट है भाई, ममता योजना कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी हेल्प के लिए। ममता ना आपको अगर वेस्ट बंगाल दे दूँ आपको दिक्कत आ जाएगी, आप ऐसे सोचते हो भी क्या पता सीएम ने अपने नाम पर रख दी हो स्कीम ममता बनर्जी ने। सो यहाँ ध्यान में रखना भी उड़ीसा के अंदर लॉन्च हुआ ममता योजना, मेरी हेल्थ को पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बेबीज़ को हेल्प करने के लिए इन दी स्टेट। सीएम यहाँ पर नवीन पटनायक एंड गवर्नर गणेशी लाल। देखो कैश फॉर दी बेस्ट स्कीम लॉन्च हुई थी बिहार के अंदर, सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये लॉन्च हुई यहाँ पर पटना में, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जहाँ पर मटेरियल रिकवरी फैकल्टी को लॉन्च किया जो कि वेस्ट टू वेल्थ हेल्प करेगी भाई, मेनली जो भी वेस्ट लेकर आएगा उनको यहाँ पर पैसे देंगे। पीपल आर बीइंग पेड फॉर दैट ड्राई वेस्ट, ठीक है, सो पैसे देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था यानी बिहार के अंदर। देन देखें यूनाइटेड नेशन डे ऑफ द साउथ साइड कॉपरेशन, मेनली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा डे को बनाना स्टार्ट किया, कब, ऑन दी 12th September को। सो जैसे अभी बातें हैं भाई, थीम यहाँ पर सॉलिडरिटी इक्विटी पार्टनरशिप अनलॉकिंग द साउथ साउथ कॉपरेशन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल हैं, 17 गोल है, कब तक कंप्लीट करने हैं, 2030 तक। देन देखें जी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन लोकेट करता है कौन सी स्टेट के अंदर बताओ, सो जी लोकेट करता है आंध्र प्रदेश के अंदर। सो इसको हाल ही में ना इंडिया का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जो हाईएस्ट रेटिंग प्रोवाइड हुई थी, क्यों ये ग्रीन रेलवे स्टेशन बन चुका है, सर्टिफिकेशन ले चुका है भाई, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई सभी को लेकर के, इको फ्रेंडली को लेकर के, फूड क्वालिटी को लेकर के, और भी जो भी फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं उनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है बाय दी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में दिखाई देंगे। देन देखिए 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट इंडिया कितना भाई, 2025 तक। सो ये न्यूज़ में क्यों था, मेनली ना हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया था G20 के अंदर, वहाँ पर आपको सिंगापुर बांग्लादेश इटली USA ब्राज़ील अर्जेंटीना मॉरिशियस एंड UAE दिखाई देंगे, जहाँ पर 20% ऑफ इथेनॉल की टारगेट है हमारा 2025 तक कंप्लीट करना, मेनली हमारे पेट्रोल और डीजल के अंदर 20% इथेनॉल को ऐड करना। इंडिया USA और ब्राज़ील देखें 85% ऑफ वर्ल्ड की जो इथेनॉल का प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर USA 55%, ब्राज़ील 27% और इंडिया ओनली 3%। सो अब यहाँ पर आने वाले टाइम में इसमें आपको प्रमोशन होती दिखाई देगी, इंडिया और भी इसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा थ्रू दिस स्कीम, थ्रू दिस अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सभी कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी और इसको प्रमोट करेंगी, ठीक है जी। पहले एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया के अंदर उसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर वो सोलर को प्रमोट करती है, जहां पर ये प्रमोट करेगी बायोफ्यूल को। 10 अगस्त को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में जानते हैं जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, नीपा वायरस के केस दिखाई देते कहां पर, केरला के अंदर। सो नीपा वायरस के बारे में देखो भाई, पहले तो वीडियो डाल चुका हूं कंप्लीट। अब ना ये एक ऐसी हमारी बीमारी है जो जेनेटिक है, मेनली किसी भी एनिमल से ह्यूमन में फैल सकती है, जो हमारा बैट है उसका स्लाइबा होता है भाई,
उसका ब्लड हो, उसका यूरिन हो, उसके जरिए भी आगे फैल सकती है। सो एक डेडली डिजीज़ है, 70-80% ऑफ पीपल मर जाते हैं इसके अंदर। सो हाल ही में केरला के अंदर इसके केसेस दिखाई दिए थे, दैट्स व्हाई न्यूज़ में थी। इसको फ्लाइंग पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। जेनेटिक जो वायरस है, मैन से ह्यूमन से ह्यूमन में फैल सकता है, एनिमल से ह्यूमन में फैल सकता है। देन मलेशिया और सिंगापुर के अंदर इसके फर्स्ट केसेस दिखाई दिए थे 1998 के अंदर और 1999 के अंदर। देन निपा वायरस का जो यहाँ पर आपको का एक ना एक राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है जी, आपको पता है जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। अभी जो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजिजम ऑन दी फार्मर राइट कहाँ पर किया गया था, नेगोरेट बताओ, एक ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट कहाँ पर, इन न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया में। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको नेगोरेट किया गया था। मेनली फार्मर्स का भाई उसको डेडिकेशन करेंगे, उनको हेल्प करेंगे और उनको यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए, लोकल वैरायटी जो हमारी प्लांट्स होती हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनको ना उनको एक्नॉलेज करने के लिए मेनली ये लॉन्च हुआ था इन दी न्यू दिल्ली के अंदर। ये मोदी ने अनाउंस किया था प्रोजेक्ट G20 के अंदर, बताओ उसका नेम इनमें से कौन सा भाई, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो ये रहा। अब यहाँ पर ना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको टैकल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था G20 के अंदर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में ट्रेड इंक्रीज होगी, इंडिया इंडिया को जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में बहुत सी बड़ी हेल्प मिलेगी। बहुत सी कंट्री जैसे कि इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, USA यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, काउंटर करेंगे चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। सो ये रहा भाई इंडिया का जो हमारा पोर्ट है फ्रॉम द गुजरात से लेकर अब यहाँ पर यूरोप के साथ में कनेक्ट करने को बात कर रहे हैं थ्रू दिस प्रोजेक्ट। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कौन सी फील्ड में प्रोवाइड करते हैं जी, जी करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चेस को प्रोवाइड करती है, जो कि 26 सितंबर को फाउंड हुई थी, यहाँ पर 12 साइंटिस्ट को दिया गया था, दैट्स व्हाई न्यूज़ में था। SS भटनागर के नेम से इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे 1942 से लेकर 54 के बीच में, हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के उस्ताद अली जाकी हैदर, जो हाल ही में डेथ हुई, रुद्रा वीणा बजाते थे भाई, डिसेपल थे उस्ताद अली, उस्ताद एसाद अली खान के साथ ही में अली जाकी हैदर के। सो उनका नेम इम्पोर्टेंट है, अभी क्या बजाते थे रुद्रा वीणा, ठीक है, एक क्लासिकल, एक हमारे ओल्ड फेमस जो आर्टिस्ट थे हमारे। अजीत नैनी जो पोलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, इनकी भी डेथ हो चुकी है भाई। स्टैचू ऑफ वननेस, एकता की प्रतिमा, जो कि आदि शंकराचार्य का स्टैचू है, हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर ओमकारेश्वर में इसको अनवील किया गया था बाय दी, किसके द्वारा, जो वहाँ के CM है हमारे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है सर। तो ज़्यादा नहीं बोलने की बात है यहाँ पर। देन TB मुक्त एक्सप्रेस लॉन्च हुई जितेंद्र सिंह के द्वारा, सो TB मुक्त का टारगेट हमारा 2025 तक है इंडिया के अंदर, TB मुक्त अभियान स्टार्ट हुआ, साथ में निबिया हमारा निक्षय मित्रा कैंपेन लॉन्च हुआ था, ठीक है, वॉलेंटरी आप हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर। निक्षय मित्रा कैंपेन के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे उनका नेम क्या है, दीपा मलिक। जी कहाँ से लॉन्च हुई, ये भी ध्यान में रखना, उधमपुर से, उधमपुर के ना जी जहाँ से लॉन्च हुई थी एक बस है भाई ये, और उधमपुर के रेलवे स्टेशन का नेम चेंज हुआ था, किसके नेम पर, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नेम पर, ये भी ध्यान में रखना जी। कहाँ पर है, फिरोजपुर डिवीजन ऑफ द नॉर्थ रेलवे उसके अंदर है भाई, सो मेरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है जी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, हो चुका है, 30% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, इसका नेम ध्यान में रखना, इसका नेम क्या है जी, नारी शक्ति बंधन एक्ट, नारी शक्ति बंधन एक्ट, 33% वुमेन की रिजर्वेशन के लिए। अभी नहीं ये लागू होगा भाई, अभी ना जो हमारे इलेक्शन होंगे 2024 के अंदर तब भी नहीं होगा, बाद में जब हमारा एक टाइम क्या होगा, जब प्रॉपरली सेंसस होगा उसके बाद में लिमिटेशन होगा, उसके बाद में इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। 128 तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुकी है, ठीक है जी, सो समझे बात, देन चलते हैं। चाचा चौधरी को अभी हाल ही में ना
एक जो मैगजीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ना, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह जो यंग वोटर है उनको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था, चाचा चौधरी एंड चुनावी दंगल, जे एक मैगजीन है लॉन्च हुई थी मेरे लिए लोगों को प्रमो जहाँ पर अवेयर करने के लिए। दैन देखें जी, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे स्वराज ट्रैक्टर के, नेम बताओ, MS धोनी। देखो स्वराज ट्रैक्टर के MS धोनी, और यहाँ पर देखो सत्विक सोलर सोलर के, सत्विक सोलर एक कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे रविंदर जनेजा। देन ये बता चुका हूँ भाई, ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी, तमिलनाडु के अंदर। रेलवे बोर्ड ने इंक्रीज किया था एक्स ग्रेंटिया पेमेंट, जैसे कि पहले भाई 50,000 मिलता था विक्टम को, अब यहाँ पर 5 लाख मिला करेगा। जैसे कि बैंक के अंदर 5 लाख की आपकी FD मीन्स कि आपको पक्का मिलेगा, उसके ज़्यादा मनी है देन कोई बैंक डिस्ट्रो हो जाए देन आपको मिलेगा, उसी तरह का यहाँ पर इन्होंने अमाउंट को सिलेक्ट किया। जिस भी बातें यहाँ पर लिख दी है भाई, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जो भी वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे वो मैंने आपको बता दिया। हाल ही में वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, CEO बने थे रेलवे बोर्ड के, उनका नेम बताओ, उनका नेम है जी जय वर्मा सिन्हा, रिप्लेस किया लोहती जी को, और फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं एवर जो कि चेयरमैन एंड CEO अपॉइंट हुए रेलवे बोर्ड की। डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर इंटरिम मेनली कुछ टाइम के लिए इंटरिम जो अपॉइंट हुए थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनका नेम बताओ, उनका नेम है जी हमारा राहुल नवीन। देन भाई ये कुछ और अपॉइंटमेंट है, रिवाइज कर लो जल्दी से। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल ऑफ द सिंगापुर, ये हमारे जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं पहले जो हमारे CJ रह चुके हैं NB रमणा, CJ ऑफ इंडिया NB रमणा जी, फर्स्ट जो वुमेन चार्ज को संभाल चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, उनका नेम क्या है जी हमारा गीतिका श्रीवास्तवा। HDFC के द्वारा से MD एंड CEO अपॉइंट हो चुके हैं, उनका नेम है श्रीधर जगदीशन। हाई कमिश्नर ऑफ द इंडियन टू गुआना, उनका नेम बताओ, उनका नेम है जी हमारा S तिलंग। देन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये है हमारे नीरज मित्तल। न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के R माधवन। फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे काजीनंगा नेशनल पार्क के अंदर सोनाली घोष। फर्स्ट फीमेल IPS बने अरुणाचल प्रदेश के, उनका नेम था यहाँ पर तेंजिंग जेंकी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जो कि चेयरमैन को चेयर राज्यसभा के अंदर आए, उनका नेम क्या था जी, फर्स्ट वुमेन अभी नागालैंड से बिलोंग करने वाले जी इलेक्ट हुए थे जो राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन का पैनल होता उसके अंदर, इनका नेम था पेंगनोंग कोनाक। फर्स्ट वुमेन जो कि टॉप नेवी ऑफिसर बने थे USA में, उनका नेम था लीजा फर्जेटी। न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के, यहाँ पर उमेश रिवेंकर। देन प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यू सर्विस डिवीजन के अपॉइंट हुए थे, उनका नेम है भाई वासुदेव गुप्ता। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे ममलोंग मंग जुमला, इनको यार प्रोनाउंस करना थोड़ा सा दिक्कत है नेम में। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द रेलवे जय वर्मा सिन्हा। देन फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ IIT जंजीवार के अंदर, IIT मद्रास का जो कैंपस है इन तंजानिया के अंदर, प्रीति अग्यालम। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जो कि फेडरल जज बने थे USA के अंदर, उनका नेम था यहाँ पर नुसरत चौधरी। देन प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे आकाशवाणी न्यूज़ सर्विस डिवीजन के, उनका नेम है जी हमारा वासुदेव गुप्ता। सो देखना ऑल इंडिया रेडियो पूछूं या आकाशवाणी पूछूं, देन उनका नेम क्या है वासुदेव गुप्ता। चेयरमैन मास्टर कार्ड के इंडिया के जो पहले रजनीश जो कुमार हमारे SBI के अंदर हुआ करते थे, उन अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे HDFC के, तो पता भाई जगदीशन। चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन है उसके अपॉइंट हुए थे धनंजय जोशी। सो भाई यहाँ पर ना मुझे लगता है भी मुझे भी दिमाग नहीं है, सभी मेरे दिमाग में फिट नहीं है मुझे पता है, लेकिन इनको रिवाइज करेंगे अपने आप हमारे दिमाग में फिट होने स्टार्ट होंगे। रेगुलरली ना कुछ वीडियो में डालता रहता हूँ, सो उनको भी रिवाइज करवाता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ भी आने वाले टाइम में ना आपको रेगुलरली करंट की वीडियो प्रोवाइड करूँ, तब वहाँ पर हम रिवाइज करते चलेंगे ना, तो
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो उनको भी फील, पहले तो इसको रिस्पॉन्स देना, वीडियो के अंदर अच्छी लगे तो लाइक करना। सो ऐसा ही अगर कंटेंट अच्छा लगा तो मैं रेगुलरली वीडियो भी लाना स्टार्ट करूँगा और अच्छी चलेगी, देन हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा कंटेंट रेगुलरली प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखें भाई, संदीप बख्शी को अभी हाल ही में MD एंड CEO द्वारा से अपॉइंट किया गया था ICICI बैंक का। मिस वर्ल्ड 2023 का कहाँ पर होगा भाई, जो कंडक्ट होगा कश्मीर के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी बताओ, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा, ये किया था हमने 5th सितंबर को। देखो मदर टेरेसा 5th सितंबर को किया, ये रहा नोबेल प्राइज मिला उनको 1979 के अंदर। और साथ ही में अगर देखें नेशनल टीचर डे भी हम इसी दिन करते हैं 5th सितंबर को, जो कि हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ओनर करते हैं भाई, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। जैद चैरिटी मैराथन भी हुई थी केरला के अंदर, मेली ना जे मैराथन है UAE की, इंडिया में कंडक्ट हुई थी हाल ही में, ठीक है जी। सो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस तो कम होते हैं, फिर भी क्या पता, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा वन लाइनर की फॉर्म में आपको बता ही रहा हूँ। सो आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट है जी। कुछ जो क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट थे वहाँ पर कम टाइम वेस्ट किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वहाँ पर हमने टाइम अच्छा लगाया है भाई। जहाँ पर 100+ आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत कम टाइम में। सो और भी पार्ट आएंगे, बहुत से क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे पता है सितंबर मंथ के छूट गए हैं, मुझे पता है कंप्लीट वीडियो नहीं है जी, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा भाई बाद में। इसको कंपाइल करने के बाद में एक कंप्लीट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा सितंबर के स्टार्टिंग में। सो प्लीज़ अपना जो सपोर्ट है बनाए रखें, वीडियो को अंत तक देखते रहें, ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।